नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ वीना रावत और अभी सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है अभी 7:30। तो 7:30 बजे अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बाहर मेरे कपड़े सूख रहे हैं। और नाश्ता मेरा ये देखो, आज का नाश्ता मेरा ये है, लेकिन ये इतना सारा नाश्ता मैं अकेले नहीं खाऊँगी, हम तीन जनों का ब्रेकफास्ट चाहिए। ये अंडे की भुर्जी बनाई है, ये है कॉफ़ी और ये है ब्रेड बटर, मतलब टोस्ट कर दिया है इसे बटर लगा करके, अभी और भी हो रही है धीरे धीरे। तो ये देखो आ गई, तो ये हम तीन जनों का नाश्ता है। बाकी आपको बाहर का नज़ारा मैं दिखा देती हूँ, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती रहूँगी। तो ये है सामने CISF और अगेन NS24 नोएडा गाज़ियाबाद, और ये पूरी शिप्रा सन सिटी है सामने। तो ये है, अभी आगे आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो आप लोगों को मज़ा आएगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। आज है मेरे बेटे का PTM, आज सैटरडे है 26, ये इसकी क्लास है। क्या दिखाना चाहते हो आप? देखो। अच्छा हाँ, अरे माँ बाप नहीं है इनके, इनके दो हो गए, दो नहीं हुए, एक ही है। कल से थोड़ा बड़ा हो गया वो, इधर अच्छा सब हाँ। सब कर रहा है धूप में, धूप सेक रहा है वो। चौथा बेबी, अभी इसमें से तीन और आएंगे, चौथा मेरा चिंटू, तीन में से और आएगा है ना, इसमें से मेरा चिंटू है। ये दिन के 2:30 बज रहे हैं और मेरा काम आज का ये है, ये देख रहे हो कपड़े। एक्चुअली जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था, जब ये बेड आया ही था बन करके, तो मैंने इसमें कपड़े, क्योंकि टाइम कम था और जल्दी जल्दी सब कुछ करना था, तो मैंने कपड़े ऐसे ही कार्टन में से निकाल कर इसके अंदर ऐसे डाल दिए थे। लेकिन अब आज मैं इनको फोल्ड करके तरीके से यहाँ पर रख रही हूँ, तो मुझे लगेगा इसमें करीबन आधे से ज़्यादा ही लगेगा, आधा घंटे से ज़्यादा, एक घंटा भी लग सकता है, क्योंकि इतने ही कपड़े उधर भी हैं और इतने ही कपड़े मेरे दूसरे वाले रूम जो है उसके बेड के अंदर है। मुझे तो समझ में नहीं आता, वैसे मुझे जब कपड़े दिखते नहीं है और ये सडनली पता नहीं कहाँ से आए थे इतने सारे कपड़े। चलिए एनीवेज मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ। शाम के शायद टाइम नहीं देखा मैंने, शायद 7 बज रहे होंगे और मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल के लिए। इतने दिनों से सोच रही थी कि पूल जाऊँगी पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, अभी भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके आई हूँ। आज तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली मैं जाऊँगी, क्योंकि फिर कल मेरा शो है तो आज तो जाना ही है। बाकी बच्चे और ये लोग तो चले गए सिनेमा लोग, मैं रह गई, मैं काम वाम करके पूजा वूजा गई। है हमारा सोसाइटी का पूल, अंदर से दिखाती हूँ भी आपको, काफ़ी बड़ा है पूल एरिया है वो, थोड़ा सा मेरे ही सीमा है, बच्चे और मैं भी अभी थोड़ी देर में जाऊँगी। तो ज़्यादा रश नहीं होता है, ज़्यादा अच्छा है मुझे, वरना ये तो बच्चों के लिए अलग है और जो बड़े हैं उन लोगों के लिए अलग है। और इस पूल का व्यू मेरे घर से भी दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगी टाइम मिलेगा ना। चलिए अभी फ़िलहाल मैं भी जाती हूँ, चेंज करके आती हूँ, फिर कोशिश करूँगी कि मैं भी अपना वीडियो बना सकूँ, पर कैसे बनाऊँगी, फ़ोन तो मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा, तो लेट्स सी करते हैं कोशिश। ऋषि
मैं स्विमिंग करके आ चुकी हूँ और बहुत ही मज़ा आया स्विमिंग करने में। पानी भी बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल पानी था और फ्रेश पानी था और बहुत मज़ा आ गया। और ये सबसे अच्छी बात है कि घर के पास ही, मतलब घर की सोसाइटी के अंदर ही है, तो कभी भी आप लोग जब मन करे स्विमिंग कर लो। चले ऋषि, ऋषि और ऋषि चलो जल्दी, चलती हूँ घर की तरफ। खाना भी बना है, रोटी भी बना रही है। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है संडे और आज छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे ही है। सामने देखो CISF में, मतलब सुबह 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर ये लोग ये मार्चिंग ही करते रहते हैं। देखो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसी कॉस्ट्यूम पहन करके, और सुबह से मेरे ख्याल से शाम तक या दोपहर तक, मैंने टाइम नोट ही किया, तब तक ये लोग मार्चिंग ही करते रहते हैं, चाहे कितनी भी धूप हो कितनी भी बारिश हो। तो ये पूरा पीछे रेड फोर्ट जैसा इन्होंने बैकग्राउंड है, ये देखो कोई इसमें सलामी भी दे रहा है, तो ये यहाँ पर चलता रहता है। एनीवेज आज संडे के दिन की एक्टिविटीज़ मैं आपको कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करके इसमें दिखा सकूँ सारी चीज़ें। मौसम साफ है आज, और ऊपर तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर सर्दी गर्मी का पता नहीं चलता, मतलब नीचे चल के पता चलता है कि हाँ गर्मी है, लेकिन ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी ऊपर नहीं लगती, हवा चलती रहती है ठंडी, और आजकल सुबह हवा में ठंडक भी है, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर दिन की शुरुआत हो गई है, आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी संडे, और जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको एक बैड न्यूज़ भी देनी है, यहाँ पर जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना बेबी हुआ है इसका, तो आज मैंने देखा ये बेबी ना यहाँ पर, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, और पास से मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे लगता है ये डेड हो गया है। लेकिन इसमें एक और बेबी, मतलब इसके में 4 अंडे थे, तो 2 अंडे किसी और के थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, तो जो इसके 2 अंडे थे उसमें से एक जो पैदा हुआ था ये तो हो गया, ये मर गया। अभी एक और है वो भी आ गया है, वो इसने अपने नीचे, एक्चुअली इस गमले में ना चींटियाँ भी हैं, तो हो सकता है क्या पता चींटियाँ, या धूप बहुत पड़ती है धूप की वजह से वो झेल नहीं पाया न्यू बॉर्न बेबी और डेड हो गया, तो पता नहीं कि किस रीज़न से ये डेड हो गया। बट अभी इसका दूसरा बेबी भी है जिसको इसने अपने नीचे अभी छुपा करके रखा हुआ है, तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको कैसे, ये जब जाएगी ना दाना वाना लेने के लिए, जब यहाँ से हटेगी तब मैं इसको निकाल करके और फिर इसको ज़मीन के अंदर इसकी समाधि बना दूँगी। अभी हम लोग शो पे आए हुए हैं और ये हमारा लंच है, एक्चुअली यहाँ पर भंडारा था सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो ये आफ्टर शो हम लोगों के लिए भैया ने ये लंच अरेंज किया है, इसको खा करके हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट शो पे। तो आप भी ले लो, गर्म गर्मा गर्म पूरी है। दिन के 2 बज रहे हैं और मैं इस वक्त आई हूँ द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में, जो कि साकेत में है और काफ़ी फेमस गार्डन है, हम लोग इस यहाँ पर शोज़ के लिए अक्सर आते ही रहते हैं, तो आज भी मैं शो के लिए ही आई हूँ। ये शो जो हो रहा है ये दिल्ली टूरिज़्म की तरफ से हो रहा है, तो मेरा परफॉर्मेंस हो चुका है, ये सेकंड परफॉर्मेंस चल रही है जो कि आप देख रहे हो सामने, तो मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा रेस्ट टाइम है। तो काफ़ी अच्छा गार्डन है यहाँ पर और नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला रहता है, शायद टिकट से एंट्री होती है। तो अब ये थर्ड परफॉर्मेंस चल रहा है जो कि हिमाचल का ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये नाटी परफॉर्म कर रहे हैं जो हिमाचल का ट्रेडिशनल फोक डांस है।
तो दोस्तों ये थी मेरी 2-3 दिन की एक्टिविटी जो कि ब्लॉग के थ्रू मैंने आप लोगों को दिखाई है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।